ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जिंदगी एक सागर की तरह है, जितने गहरे गोते लगाएंगे, जितना गहराई तक जाएंगे, उतने ही आप निखरते जाएंगे। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हो जाती हैं तो क्या पूरा सागर गंदा हो जाता है? ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए गलतियां हर इंसान से होती हैं। अगर जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर ज़िंदगी आपको दोबारा मौका देती है अपना जीवन बदलने के लिए, तो जो गलतियां आप अपने जीवन में कर चुके हैं उन्हें आने वाले जीवन में कभी दोहराइएगा मत, क्योंकि दुनिया आपको ज्ञान दे सकती है लेकिन कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा और जो बीत चुका है उसे भुलाना होगा, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। लेकिन अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले लेता है तो वो उसे जीवन में बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती हैं। लेकिन जो इंसान बार बार गलतियां करने के बाद भी नहीं सुधर पाता तो उसे गलती नहीं कहा जाता, वो जानबूझकर किया गया पाप कहलाता है। इसलिए वक्त के अनुसार इंसान का सम्मान और अपमान होता है, और निंदा आसमान में फेंके हुए इस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर आकर गिरता है जिसने उसे फेंका है। क्या हुआ अगर लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं? जब कोई आपका साथ ना दे, आपको पता हो कि सिर्फ ईश्वर ही आपके साथ हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत अच्छा होने वाला है। आप जिस रास्ते पर चले हो वो किसी के बस की बात नहीं है कि कोई आपके साथ खड़ा हो सके। इसलिए लोगों से ज़्यादा उम्मीदें ना करें। और अगर कोई आपको नहीं अपनाता है, जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है, तो आप उसकी चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि जिसे आपका साथ निभाना है वो आपके हालात कभी नहीं देखेगा। लेकिन जो आपके हालात को देखता है वो कभी आपका साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है, और यही वक्त होता है जब इंसान खुद को समझ सकता है, अपनी काबिलियत को जान सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। मेहनत ही वो चाबी है जो आपकी बंद किस्मत के दरवाज़ों को खोल सकती है, क्योंकि जो लोग भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं वो सिर्फ वही पाते हैं जो उनके भाग्य में लिखा होता है। लेकिन जो लोग कर्म करना जानते हैं वो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। इसलिए जो आपके भाग्य में नहीं भी होगा वो भी ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि लोग जब इंसान पर बुरा वक्त होता है तो अक्सर उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सफ़र है जिस पर इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। जब इंसान के जीवन में खालीपन आता है, वो अकेला हो जाता है, तो वो भी उसकी भलाई के लिए आता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब वो खुद को जान सकता है, खुद को पहचानता है, खुद को तराशता है। वरना इंसान दूसरों की परवाह में ही दिन रात लगा रहता है, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सबको खुश रख पाना हमारे बस की बात नहीं है और हम सबको खुशी दे भी नहीं सकते। इसलिए आप खुद को प्रसन्न रखें, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जितना साथ आप खुद का दे सकते हो उतना साथ आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए अगर इस बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़कर चले गए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर भीड़ बहुत कम होती है और झूठ के रास्ते पर दुनिया की भीड़ होती है। इसलिए आपको अकेले चलना होगा। ज़िंदगी का रास्ता चुन लिया है तो आपको मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। पहाड़ों से निकली नदियाँ कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती, लेकिन एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाती हैं। इसलिए आप खुद पर विश्वास रखें और ना ही ज़्यादा दूर तक देखने की ज़रूरत है। एक एक कदम आप बढ़ाते रहिए तो आप एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाओगे। बहुत जल्द आपके जीवन में भी ज़रूर बदलाव होगा। जो कुछ बीत चुका है वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि बीता वक्त और मुख से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप
धोखा खा लीजिएगा, लेकिन कभी किसी को धोखा मत दीजिए, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, कभी कभी आप उन पर विश्वास ना भी करें तब भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए ईश्वर पर विश्वास कर, खुद के कर्मों पर विश्वास कर, मेहनत करते रहिए तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा, आपका हर सपना साकार होगा और वो समय बहुत जल्द आएगा। जब इंसान कामयाब होता है तो लोगों के विचार और उनका व्यवहार खुद ब खुद बदल जाता है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।